खुदावंद हमारी जिंदगी में नजात के प्लान रखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम गुनाहों में घिरे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के गुनाह हमारी जिंदगी में, तो खुदावंद क्यों ही हमें नजात देंगे या वो हमारी तरफ देखेंगे ही क्यों। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि जैसे गधा है, खुदावंद ने भी गधे को चुना था क्योंकि वो रिजेक्टेड एनिमल है, वो बोझ बर्दाश्त करता है, उस पर लाइक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट रखा जाता है और वो एक रिजेक्टेड एनिमल है। कभी भी हम उसको एज अ पेट नहीं रखेंगे, जिस तरह से हम कैट या डॉग को रखते हैं, हम कभी भी गधे को एज अ पेट नहीं रखेंगे क्योंकि वो एक रिजेक्टेड एनिमल है। तो हम खुद को भी इस तरह से समझते हैं कि हम रिजेक्टेड हैं, खुदावंद हमें क्यों नजात देंगे, या अगर खुदावंद हमारी जिंदगी में कोई प्लान रखे तो क्यों ही एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को इस लाइक नहीं समझते। लेकिन खुदावंद चाहते हैं, क्योंकि हम कीमती हैं, उसने एक एक जिंदगी को कीमत से खरीदा हुआ है, वो उसका लहू है। हालेलुया। तो हम ये चीजें, ये नेगेटिव थॉट्स अपनी जिंदगी में सोच के हम अपनी नजात को वहीं पर रोक देते हैं। कभी भी आपकी जिंदगी में अगर खुदावंद कोई गोल रखते हैं, कोई ख्वाहिश रखते हैं, तो वो खुदावंद आपकी जिंदगी में, आपके दिल में डालते हैं और खुदावंद उसको पूरा करने की भी कुदरत रखते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है खुदावंद के नजदीक, कोई ऐसी पावर नहीं है कि जो खुदावंद के बंद किए को खोल सके और खोले हुए को बंद कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में, उसकी नजात को, उसकी सल्वेशन को अपनी जिंदगी में कबूल करें। हालेलुया, ताकि वो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौजूदात को रखें। आई जोर ना तालियां बजाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए, उसके मसीह के लिए। हम तालियां